सुंदरवन जंगल में टुनटुनी और बंटी नाम के पति पत्नी रहते थे। एक दिन टुनटुनी अपने पति बंटी से कहती है, महंगाई तो कितनी ज्यादा हो रही है, जंगल में और पक्षी भी हमारी मदद नहीं करते, और ऊपर से कालू जादूगर ने भी हमारे जंगल में आतंक मचा रखा है। अब हम क्या करें जी, आप अपनी लकड़ियों को महंगे दाम में बेचना शुरू कर दीजिए। ये बात सुनकर बंटी टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे टुनटुनी चिड़िया, अगर मैं लकड़ियों को महंगा कर दूंगा तो लोग घास ही खरीद लेंगे, लकड़ी सस्ते दामों में बेचने के कारण ही मेरी लकड़ी थोड़ी बहुत बिक जाती है। ऐसे ही समय गुजरने लगता है। एक दिन बंटी पेड़ से लकड़ी चुन रहा होता है, तभी पेड़ के अंदर से एक जादुई चिड़िया निकलती है। वो बहुत रो रही होती है। उसे रोता देख बंटी उस चिड़िया को अपने घर ले आता है। और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी चिड़िया सुनो, आज मैं जब लकड़ियाँ काट रहा था तो पेड़ के अंदर से ये नन्ही चिड़िया निकली, ये बहुत रो रही है, तुम इसे कुछ खिला पिला दो। लेकिन बंटी जी, हमारे पास तो खाने को कुछ है ही नहीं। रुकिए, मैं बुलबुल से कुछ लेकर आती हूँ। तभी टुनटुनी चिड़िया बुलबुल से चावल दाना लाकर उस चिड़िया को खिला देती है, और दाना खाकर वो चिड़िया सो जाती है। अगले दिन, बंटी जी हम अब इस चिड़िया को मिट्टू तोता को दे आते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे और दाना नहीं है जो हम इसको पाल सकें। ठीक है, जब ये उड़ जाएगी तो हम इसको मिट्टू तोता को दे देंगे। थोड़ी देर बाद टुनटुनी इस चिड़िया को जैसे ही उठाती है, उसके परों में से सोने और हीरे की अशर्फियाँ गिरने लगती है। ये देख कर टुनटुनी हैरान हो जाती है और जल्दी से बंटी को बुलाती है। बंटी जी जल्दी आइए, ये देखिए इस बच्ची के पंखों में से सोने और हीरे की अशर्फियाँ गिर रही है। ये देखकर बंटी टुनटुनी चिड़िया से कहता है, ये चिड़िया तो जादूगरनी है, अब हमारी सारी मुसीबत दूर हो जाएंगी, और अब तो हम इसका ध्यान भी अच्छे से रख सकते हैं। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। अब बंटी अपना नया कारोबार भी खोल लेता है। बंटी और टुनटुनी चिड़िया मिलकर सबकी मदद भी करने लगते हैं। अब ये खबर कालू जादूगर को पता चल जाती है, और वो अपने सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों उस टुनटुनी के घर जाओ और चुपचाप से उस जादुई चिड़िया को चुरा कर हमारे पास लाओ। दोनों सिपाही उस चिड़िया के घर पहुंचते हैं। जब टुनटुनी सो रही होती है, तभी वो चिड़िया को उठा लेते हैं और अपने साथ ले जा रहे होते हैं। तभी वो चिड़िया रोने लगती है। अब चील सिपाही कहता है, अरे ये तो बहुत भारी हो गई है, उससे तो उठाई भी नहीं जा रही, इसका रोना बंद करा वरना ये तो हमें पकड़वा देगी। थोड़ी दूर जाने के बाद वो जादुई चिड़िया और जोर जोर से रोने लगती है। रोने से उस बच्ची का वजन भारी हो जाता है, जिसकी वजह से सिपाही उसे उठा नहीं पाते और वहीं जंगल में छोड़कर चले जाते हैं। अगली सुबह टुनटुनी और बंटी ढूंढते ढूंढते नदी किनारे पहुँचते हैं और उस जादुई बच्ची को अपने घर ले जाते हैं। अब बंटी और टुनटुनी चिड़िया दोनों मिलकर उस बच्ची को जंगल से बहुत दूर ले जाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक जंगल में टूनी नाम की भूतिया चिड़िया रहा करती थी। वो रात में जंगल में रहने वाले पक्षियों को उठाकर उन्हें अपनी गुफा में ले जाकर उन्हें मारकर खा जाती थी। अरे वाह, आज तो मजा आ गया खाने में, कितना स्वादिष्ट पक्षी था। उसके सातंक से जंगल के सब पक्षी बहुत डरते थे। उसी जंगल में एक भूतिया जादूगर कालू कौवा रहता था। वो अपना रूप बदल कर जंगल में पक्षियों के बीच रहता था। एक रात, अब काफी साल हो गए हैं, मुझे शादी करनी है, आज तो मैं अपने दुल्हन ढूंढ कर ही रहूँगा, नहीं तो जंगल की किसी भी चिड़िया को पकड़ लूँगा, उससे शादी करके मैं ताकतवर भूतिया कौवा बन जाऊँगा। मजा आएगा, इस जंगल पर सिर्फ मेरा राज होगा। ये कहकर वो अपना रूप बदल कर जाने लगता है। तभी वो देखता है टूनी चिड़िया की आत्मा अपने पंजों में एक चिड़िया को पकड़ कर अपनी गुफा में ले जा रही है। कालू कौवे का भूत भी उसके पीछे जाता है। छोड़ो मुझे जाने दो टूनी चिड़िया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, ऐसे कैसे छोड़ दूँ तुझे, तू आज रात का मेरा खाना है। टूनी चिड़िया अगर तुझे छोड़ दूंगी तो मैं भूखी रह जाऊंगी, जो मैं सोने नहीं दूंगी।
ये कहकर टूनी चिड़िया की आत्मा टुनटुनी को मार देती है। अरे ये कौन है? चिड़िया की आत्मा, ये कितनी खूबसूरत है। अगर मैं इससे शादी कर लूँगा तो मैं बहुत ताकतवर बन जाऊँगा। इसकी दहशत से पूरा जंगल डरता होगा। अब भूतिया कालू कौआ टूनी चिड़िया की आत्मा से शादी करने की सोचता है। अगली रात वो टूनी चिड़िया की आत्मा की गुफा को फूलों से सजाता है। जब टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ पर आती है, अरे ये कितनी प्यारी गुफा लग रही है, ये किसने किया, इसे फूलों से किसने सजाया है। तभी वहाँ पर कालू कौआ आ जाता है। ये सब मैंने किया है टूनी चिड़िया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम पर फिदा हो गया। ये सब सुनकर टूनी चिड़िया की आत्मा बहुत खुश होती है और मन ही मन कालू कौआ को पसंद करने लगती है। हाँ कालू कौआ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। कल रात हम दोनों शादी कर लेंगे और अपना जीवन एक साथ बिताएंगे। पर टूनी चिड़िया को भूतिया कालू कौआ के इरादे का पता नहीं था। वो उसे मोहरा बनाकर ताकतवर बनना चाहता था। अगले दिन अब रात में कालू कौआ अपनी भूतिया बारात के साथ गुफा में आता है। टूनी चिड़िया की आत्मा मंडप में बैठी थी, अब उन दोनों की शादी हो जाती है। कालू कौआ टूनी चिड़िया की आत्मा को अपने घर लेकर आता है। कालू कौआ, ये घर कितना सुंदर है, लेकिन तुम इस जंगल के हो भी नहीं, फिर भी तुम्हारा इतना बड़ा घर, तुमने मुझसे ही शादी क्यों की? तुम्हें तो कोई और अच्छी कौवी ये चिड़िया मिल सकती थी। तभी कालू कौआ अपने असली रूप में आ जाता है। मैं कौआ नहीं, भूतिया कौआ हूँ। मैंने तुमसे शादी इसलिए की ताकि मैं इस जंगल पर राज कर सकूँ, भूतिया राजा बन सकूँ। धोखा, इतना बड़ा धोखा किया तुमने मेरे साथ। मैंने तुम्हें अपना पति समझा और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरा इस्तेमाल करना चाहा। तभी टूनी चिड़िया की आत्मा गुस्से में कालू कौआ को मारने वाली होती है। टूनी चिड़िया, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो टूनी चिड़िया। फिर टूनी चिड़िया की आत्मा सोचने लगती है, अगर मैंने इसे मार दिया तो मैं विधवा हो जाऊंगी, वैसे तो ये मेरा पति ही है, मैं इसे नहीं मार सकती, चाहे इसने मुझे धोखा ही क्यों ना दिया हो। ये देख कर कालू कौआ के भूत को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो टूनी चिड़िया की आत्मा का प्यार अपने लिए देख कर भावुक हो जाता है। टूनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन अब मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगा, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? कालू कौआ, मैंने तुम्हें दिल से अपना पति माना है, तुम चाहे भूत या कौए की आत्मा हो, फिर भी मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। अब वो दोनों एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। टूनी जब गर्भवती थी तभी उसके पति टुन्नू की एक दुर्घटना से मौत हो गई थी। एक अलमुही, अब सारा दिन यूं ही टसुए बहाती रहेगी या घर का काम भी करेगी? माँ जी, वो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आपको तो पता ही है, मेरा नवा महीना चल रहा है, मुझसे उठा तक नहीं जाता, मैं काम कैसे करूं? आए हाय, एक तो मेरे भाई को खा गई, अब महारानी आराम फरमाने के बहाने ढूंढ रही है। चुपचाप खड़ी हो और खाना बना जाकर। टूनी बेचारी दर्द से बेहाल उठती है और दूसरी डाल में बने किचन में जा ही रही होती है, तभी उसको चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है। टूनी के गिर जाने से उसके सर से काफी खून बहने लगता है। तभी आवाज सुनकर बबली और लूसी कबूतरी वहाँ आती है। अरे माँ, ये क्या हो गया? अरे गिरी कैसे है, ये छोड़, ये सोच इससे छुटकारा कैसे पाएं? अगर आसपास पड़ोस में से किसी ने इस हालत में देखा तो हम पर इल्जाम आ जाएगा। चल थोड़ी देर इसे ऐसे ही पड़े रहने देते हैं, फिर ले जाएंगे हॉस्पिटल, तब तक हमें इसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। कुछ समय बाद टूनी हॉस्पिटल में आ जाती है। तभी डॉक्टर बुलबुल बबली से कहती है, हम आपकी बहू को तो बचा नहीं पाए, लेकिन उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया है। अरे माँ, ये तो सोने पर सुहागा हो गया, बिना कुछ करे धरे ही उस चुड़ैल से छुटकारा मिल गया। हाँ बात तो तू ठीक कह रही है, लेकिन इसकी बेटी का क्या करें, खुद चैन की सांस लेकर मर गई और इसे हमारे मथे छोड़ गई। अब बबली और लूसी उस बच्ची को घर लाकर अकेले कमरे में छोड़कर चले जाते हैं और बेचारी बच्ची भूख के मारे रो रही होती है। वही टूनी मर चुकी थी, लेकिन टूनी की आत्मा मंदिर में जाती है और भगवान से कहती है, हे भगवान, तूने मुझे अपने दरवाजे पर इस तरह बुलाया है, तो तू ही मेरी मदद कर, मेरी छोटी सी बच्ची का कोई नहीं है, तो मुझे थोड़ी शक्ति दे दे ताकि मैं उसका ध्यान रख सकूं, जब वो अपना खुद ध्यान रख लेगी तो मैं तेरी शरण में आ जाऊंगी। दे दे भगवान, शक्ति दे दे। तभी भगवान उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं और टूनी फिर से कुछ टाइम के लिए चिड़िया के रूप में आ जाती है।
वहीं लूसी बबली से कहती है, माँ इसकी रोने की आवाज ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है, आप कहीं छोड़कर आ जाइए। तभी बबली उस बच्ची को जंगल में एक नदी किनारे छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ से एक सांप जा रहा होता है। टूनी चिड़िया आकर उस बच्ची को बचा लेती है। टूनी उसे गोद में लेकर बहुत खुश होती है और भगवान से कहती है, धन्यवाद भगवान जी धन्यवाद, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। अब टूनी उसे लेकर रास्ते में से जा रही होती है। फिर टूनी सोचती है, मैं इसे रखूंगी कहाँ पर, इसके लिए घर भी होना चाहिए। तभी टूनी को सामने एक खाली शौचालय दिखता है। टूनी शौचालय को अच्छे से साफ करती है और वहीं पर ही अपनी बच्ची के साथ रहती है। भगवान आपने मुझे शक्ति तो दी है, लेकिन मैं इसका अपने लिए फायदा नहीं उठाऊंगी, मैं खुद मेहनत मजदूरी करके अपनी बच्ची को पालूंगी। अब टूनी चिड़िया एक बरगद के पेड़ पे बने घर में जाती है। वहाँ जाकर टूनी उन आंटी से कहती है, मैम साहब मुझे काम की बहुत जरूरत है। वैसे तुम क्या काम कर सकती हो और तुम्हारी तो इतनी छोटी बच्ची है। मैम साहब मुझे काम की बहुत जरूरत है, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मेरी बच्ची भूखी मर जाएगी, मेरे अलावा उसका कोई नहीं है, जंगल में फसल भी इस बार नहीं हुई है। अब उस मैडम को टूनी की बातें सुनकर तरस आ जाता है। ठीक है अब रोना बंद करो, अब ये बताओ तुम क्या कर सकती हो। जो आप कहें वो मैं करूंगी, मैं घर की साफ सफाई के अलावा जंगल से सूखी लकड़ियां भी चुनकर ले आऊंगी। तभी टूनी चिड़िया जल्दी से उसके घर का सारा काम कर देती है। टूनी चिड़िया की मैडम काम को देखकर बहुत खुश होती है और उससे कहती है, तुमने तो बहुत अच्छे से काम किया, ये लो खाना खा लेना। मैम साहब खाना मत दीजिए, थोड़ा मेरी बच्ची के लिए दूध मिल जाए तो वो दे दीजिएगा। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से दूध लेकर टॉयलेट वाले घर में चली जाती है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। फिर वो टुनटुनी को दूध पिलाती है। अगले दिन फिर टूनी काम के लिए चिड़िया का रूप लेकर चली जाती है। अरे सुनो आज मेरा बर्थडे है, तुम बिना खाए यहाँ से नहीं जाओगी। टूनी चिड़िया मन में सोचती है, अरे मैं ये मैडम को कैसे बताऊँ, मैं ये घास फूस वाला खाना नहीं खाती, मैं चिड़िया नहीं एक आत्मा हूँ। मैम साहब आज मुझे जरूरी काम है। ये कहते हुए जल्दी से टूनी वहाँ से चली जाती है। कभी कभी ये कुछ अजीब सा बर्ताव करती है, इसे खाने को दो ये हमेशा मना कर देती है, कुछ तो गड़बड़ है। अब सुंदरी टूनी का पीछा करती है। ये कौन सी जगह रहती है, यहाँ से तो कितनी गंदी स्मेल आ रही है। तभी सुंदरी टूनी को असली रूप में देख लेती है और उससे कहती है, तुमने मुझसे झूठ कहा था और मुझे इतने दिन से धोखा दे रही थी। तभी टूनी चिड़िया उसे शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी बताती है। सुंदरी कहती है, तुम सच्ची हो टूनी, इसलिए भगवान तुम्हारे साथ है और अब तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक और घर है, तुम वहाँ रह सकती हो और जब टुनटुनी बड़ी हो जाए तो तुम्हारे बाद मैं उसका ध्यान रखूंगी, ठीक है। शुक्रिया मैम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं। टुनटुनी बड़ी हो गई थी और टूनी उसे छोड़कर स्वर्गवास हो गई थी। तभी सुंदरी कौवी टुनटुनी को सारी बात बताती है और टुनटुनी टूनी का फोटो देखकर कहती है, शुक्रिया माँ आपका बहुत शुक्रिया। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों कल के लक्की विनर्स के नाम ये रहे आपके स्क्रीन पर। आज का सवाल ये है, टूनी टुनटुनी को लेकर कहाँ रहती है। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लक्की विनर के नाम कल की वीडियो में दिखाए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।